Hey guys, I'm back with my weekend video. और guys, आज का जो मेरा weekend का video है वो है एक facial. But ये जो facial है ये facial normal facial की तरह नहीं है. ये facial थोड़ा unique है, okay? और इसकी थोड़ी technique भी unique है. और ये facial मैंने personally try किया है, इसलिए मैं ये facial आपके साथ share करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इस facial के बहुत ही अच्छे result मिले हैं. Okay guys, और जैसे आपको पता है गर्मियाँ आ रही हैं, तो ये जो facial है ये गर्मियों के लिए बहुत ही benefit देगा आपकी skin को. तो आप इस फेशियल को गर्मियों में तो जरूर करें. ओके गाइस, तो मैं आपको बता रही हूँ ये फेशियल है मेरा बीट रूट फेशियल. ओके गाइस, तो जैसे आपको पता है जो बीट रूट होता है वो बहुत ही बेनिफिट देता है हमारी स्किन के लिए. एक तो इसमें विटामिन सी बहुत होता है, ये एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, एंटी ऑक्सीडेंट होता है और एंटी एजिंग होता है. और ये जो है ऑयली स्किन के वालों के लिए तो बहुत ही वंडर करता है. ये उनके पिंपल और एक्ने को रिड्यूस करता है. और ये ड्राई स्किन वालों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है. ये इनको जो है बहुत हाइड्रेट रखता है, ये आपकी स्किन को ग्लो भी देता है और आपकी स्किन में जो भी डिस्कलरेशन होता है उसको रिड्यूस करता है. ये आपकी स्किन को लाइटन भी करता है, ये आपकी स्किन को ब्राइटन भी करता है. ओके गाइस, मैं आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. गाइस, बीटरूट फेशियल स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक बीटरूट और हम इसको थोड़ा ग्रेट कर लेंगे. ओके गाइस, ये ग्रेट हो गया, अब हम इसका जूस निकाल रहे हैं. ओके, तो हम एक छन्नी लेंगे और इसका जूस निकाल लेंगे. जूस निकालने के बाद गाइस, ये जो बीट रूट है हमें इसको फेंकना नहीं है, क्योंकि हम आगे इसको फेस पैक में यूज करेंगे. गाइस, ये हमने चुकंदर का जूस निकाल लिया है, क्योंकि ये हमारा बेस इंग्रेडिएंट है, तो हम अपने सारे फेशियल स्टेप्स में इसको जरूर यूज करेंगे. तो चलिए हम अब लोग अपना फेशियल स्टार्ट करते हैं. गाइस, हम फेशियल में सबसे पहले करेंगे क्लिंजिंग. तो क्लिंजिंग के लिए हम लेंगे अपना थोड़ा सा बीटरूट, 1 टीस्पून ऑफ बीटरूट. ओके, जूस जो हमने अभी निकाला है फ्रेश, और उसमें हम मिलाएंगे 1 टीस्पून ऑफ मिल्क और इसको अच्छे से मिला लेंगे और हम अपना क्लिंजिंग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, लाइक दिस. आपको 1 मिनट तक क्लिंजिंग करनी है, लगा के आप थोड़ा सा 1 मिनट तक मसाज देंगे. ओके, नेक और फेस पे बोथ. गाइस, क्लिंजिंग मेरी डन हो गई है, अब हम इसको वाइप कर लेंगे. नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्क्रबिंग. तो स्क्रबिंग के लिए हम एक बीटरूट की स्लाइस लेंगे और इसमें आप थोड़े से इसको थोड़ा सा ऐसे नाइफ से इसको कट डाल देंगे, थोड़े से ना नाइफ से, लाइक दिस. ठीक है, इसमें आपको थोड़ी सी शुगर ऐसे स्प्रिंकल करनी है. ठीक है, लाइक दिस. ओके, और आप इसमें आपको हनी डालना है, लाइक दिस. ओके, और आप इसको थोड़ा सा हनी को फैला लेंगे चारों तरफ और इससे आपको अपनी स्क्रबिंग करनी है. ठीक है, नाउ स्टार्ट स्क्रबिंग लाइक दिस. तो आपको 1 से 2 मिनट तक स्क्रबिंग करनी है और जहां जहां आपके ब्लैक हेड ज्यादा हैं आप वहां वहां उस एरिया में ज्यादा स्क्रबिंग करेंगे. ओके, तो गाइज ये हमारी स्क्रबिंग डन हो गई है, अब हम लेंगे 1 से 2 मिनट तक स्टीम. ओके, तो मैं ले रही हूँ स्टीमर से स्टीम. पैन में पानी लेके और अब जब वो बॉईल होने लगे उसके ऊपर आप अपने सर पे टॉवल डाल के उसे स्टीम ले सकते हैं, तो वो भी आपको 1 से 2 मिनट तक ही करना है. ओके, स्टीमिंग हमारी डन हो गई है, अब हम अपना फेस धोएंगे और हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे मसाज. ओके, तो गाइज स्क्रबिंग एंड स्टीमिंग के बाद हमने अपना फेस धो लिया है, अब हम स्टार्ट करेंगे मसाज. इस मसाज के लिए हमें कोई यहाँ पे क्रीम नहीं बनानी, हमें बहुत ही इजी तरीका है, हमें वही अप्लाई करना है मसाज के लिए और वो है बीटरूट जूस की आइस क्यूब. ओके गाइस, जब भी आपको फेशियल करना हो बीटरूट का तो आप एक दिन पहले या सुबह जूस निकाल के, और आपको 1 क्यूब इनफ है तो आप आइस ट्रे में रख देंगे जमाने के लिए. ओके गाइस, ये मैंने आइस क्यूब ले ली है, इसको भी आपको 1 से 2 मिनट तक ही अपने फेस पे मसाज करनी है. ओके, उससे ज़्यादा नहीं. तो दिस इज आवर मसाजिंग. तो गाइस, एंड मैंने
एक मिनट तक बीटरूट आइस क्यूब से मसाज कर ली है, अब हम इसके बाद लगाएंगे अपना फेस पैक। ओके, तो गाइस फेस पैक के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ये जो हमने बीटरूट का ग्रेट किया था उसको आप ले लेंगे 1 टेबल स्पून। ओके, उसके बाद आप उसमें 1 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी फुलर अर्थ पाउडर मिलाएंगे। ओके, उसके बाद आप उसमें 1 टीस्पून राइस फ्लाम मिलाएंगे और उसके बाद आप उसमें मिलाएंगे 1 टेबल स्पून रॉ मिल्क या फुल फैट मिल्क। ओके, और उसके बाद आप थोड़ा सा इसमें बीटरूट जूस मिला लेंगे 1 टीस्पून। ठीक है, आप इसको अच्छे से मिलाएंगे। आपको इसको अच्छे से पेस्ट बनाना है तो आप फेस पैक के उस फॉर्म में, तो अगर चाहें तो आप अगर दूध और मिला लें। ये हमारा फेस पैक तैयार हो गया है और हम इसको अब अप्लाई करेंगे। ठीक है गाइस, ये फेस पैक रेडी है, अब हम इसको अपने फेस और नेक पे दोनों पे अप्लाई करेंगे। ओके, तो गाइज ये फेस पैक रख गया है, अब आप इसको 10 से 15 मिनट ऐसे रखेंगे, फिर आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे और जो भी आपका मॉइस्चराइजर है वो आप अप्लाई कर लेंगे। ओके, तो गाइज ये फेस पैक के बाद मैंने अपना फेस वॉश किया है और इसमें मैंने अभी कुछ नहीं लगाया है और नाउ यू कैन सी द ग्लो ऑन माय फेस, सी दिस, इट्स ऑल नेचुरल ग्लो। तो गाइज ये था मेरा आज का मैजिकल फेशियल, तो आप इस फेशियल को जरूर करें। ये आपको महीने में 2 बार करना है, मींस 15-15 दिन के डिफरेंस पे करना है। इसको स्टार्ट करने से पहले जरूर पैच टेस्ट कर लें, उसके बाद ही आप अपने फेस पे अप्लाई करें। ओके गाइज, और प्लीज आप इस फेशियल को करें और मुझे इसका फीडबैक भी दें। गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे बाकी के वीडियो को भी देखना ना भूलें। और गाइज एक चीज और करनी है आपको, आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है। ओके, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके गाइज, फिर मैं एक और नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।